गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेटा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में करेंगे हाइगंस प्रिंसिपल, हाइगंस थ्योरी। क्या कहती है ये वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हाइगंस थ्योरी, हाइगंस प्रिंसिपल। ये है बच्चों, स्टार्ट होगी हमारी वेव ऑप्टिक्स। क्या है वेव ऑप्टिक्स? वेव ऑप्टिक्स का फर्स्ट टॉपिक जो मैं करवा रहा हूँ वो है हाइगंस प्रिंसिपल। इसमें क्या होगा, इसने बताया एवरी सोर्स ऑफ लाइट एमिट सम पार्टिकल्स नोन एज वेवलेट्स विच आल्सो एक्ट्स एज फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट। जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को एमिट करेगा और इन छोटे छोटे पार्टिकल का नाम होगा वेवलेट्स, जो कि आगे जाके फिर खुद एक फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेंगे। आगे किसकी तरह बिहेव करेंगे? फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेंगे। इसी तरह से और पार्टिकल्स फैलते जाएंगे और फिर ये और पार्टिकल्स इस तरह से पार्टिकल फैलते जाएंगे, ठीक है। ये होगा लाइट डिस्ट्रीब्यूशन। जो लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा वेव फ्रंट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होगा बच्चों? वेव फ्रंट की फॉर्म में। ये हमारे क्या कहलाएंगे? वेव फ्रंट। तो दूसरी चीज इसने क्या बताई, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज और मीडियम इज नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे, नोन एज वेवलेट्स। वेव इज नोन एज वेव फ्रंट, नोन एज वेव फ्रंट, ठीक है। हमें पता लग गया बच्चों वेवलेट्स के बारे में, और किसके बारे में पता लग गया? वेव फ्रंट के बारे में। मान लो सोर्स है, सोर्स से पार्टिकल्स निकलते जा रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम होगा बच्चों वेवलेट्स। प्राइमरी वेव फ्रंट बन जाएगा, फिर इससे हम बनाएंगे सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। इस तरह से लाइट क्या होती जाएगी, फैलती जाएगी किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से। तो देखते हैं किस तरह से फैल रही है, ठीक है। मान लो कि ये प्राइमरी है, इसको मान लेते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी कैसे बनाएंगे, इससे सर्कल मान लेंगे इस तरह से, जिसकी रेडियस क्या होगी बच्चों? रेडियस होगी सी इंटू टी। सी क्या है और टी क्या है? सी है स्पीड ऑफ लाइट, टी है कितने टाइम तक यहाँ तक पहुँच गए। उनको हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। एक बना के दिखा देता हूँ बच्चों किस तरह से बनेगा, प्राइमरी सेकेंडरी और किस किस शेप के होंगे हमारे वेव फ्रंट, ठीक है। देखते हैं, ये मान लो सोर्स है, पॉइंट सोर्स है लाइट कैसे फैलेगी, ऐसे। ये बन गया हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बन गया? प्राइमरी वेव फ्रंट। अब इस पे जो डिफरेंट पॉइंट थे हमारे वेवलेट्स, जो डिफरेंट पॉइंट थे वेवलेट्स, उसका एक सर्कल बना दो। ये रहा सर्कल बना दो उसका, और इनका जो आउटर पेरिफेरी है उसको हम मिला देंगे, ये क्या बन जाएगा बच्चों, सेकेंडरी वेव फ्रंट। इस तरह से ये फिर प्राइमरी, इसका सर्कल बना दो, जिसकी रेडियस क्या होगी, सी इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, कितने टाइम बाद निकालना है, और उनको हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह से लाइट डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी। ये थ्योरी किसके बारे में बताती है हमें, वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में, कि लाइट का नेचर कैसा होता है बच्चों, वेव नेचर होता है, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम होता है वेवलेट्स, और वेवलेट्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं मीडियम के अंदर, वो क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। इससे साफ साफ पता लगता है कि इनका नेचर कैसा होता है बच्चों, वेव नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारी कौन सा प्रिंसिपल है, हाइगंस प्रिंसिपल। ये थी हमारी हाइगंस थ्योरी। अगर पॉइंट सोर्स होता, सपोज करो पॉइंट सोर्स होता, तो वेव फ्रंट की शेप कैसी होती बच्चों, स्फेरिकल। फॉर पॉइंट सोर्स वेव फ्रंट की जो शेप हो जाएगी हमारी, वेव फ्रंट क्या होगा,
स्फेरिकल, कैसी शेप का होगा? स्फेरिकल होगा। अगर हम बात करें फॉर लीनियर सोर्स, अगर लीनियर सोर्स तो वेव फ्रंट की शेप कैसी होगी हमारी? या क्या लीनियर सोर्स तो वेव फ्रंट की शेप हो जाएगी हमारी सिलेंड्रिकल। कैसी हो जाएगी? सिलेंड्रिकल। ये पॉइंट सोर्स तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्फेरिकल, ठीक है। अगर लीनियर सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होगा? आसपास सारा ये सारा हो जाएगा हमारा, पूरा फैल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिलेंड्रिकल, ठीक है। और यही वेव फ्रंट अगर ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बच्चों? प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। देखते हैं प्लेन वेव फ्रंट कैसे हो जाएगा, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है? स्फेरिकल क्या हो गया? सिलेंड्रिकल। देखते हैं कैसे। ये रहा, ये सोर्स है, इससे लाइट निकली है, ये गया, जाते जाते लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो यहाँ तक कैसा हो जाएगा बच्चों? ये प्लेन हो जाएगा। जितना ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा प्लेन हो गया। और प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हम क्या लेंगे? रे ऑफ लाइट। क्या लेंगे? रे ऑफ लाइट। ये आगे रे ऑफ लाइट जो कैसे होगी? परपेंडिकुलर होगी इसके, ठीक है। और ये हो गया हमारा वेव फ्रंट पूरा। सपोज करो ये है जैसे, ठीक है, सोर्स है, सोर्स से लाइट जा रही है, पहले ऐसी है, फिर ऐसे फैलते फैलते लास्ट में कैसा हो जाएगा बच्चों? प्लेन, ठीक है, दिख रहा होगा बच्चे से। ये रहा मान लो पॉइंट सोर्स है, इसके पहले यहाँ तो आएगा बच्चों स्फेरिकल, ठीक है, फिर स्फेरिकल, फिर ये फैलता 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 जाता कैसा होता जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा वेव फ्रंट, हाइगन्स प्रिंसिपल और हाइगन्स थ्योरी विच विल एक्सप्रेस वेव नेचर ऑफ लाइट। हम पढ़ रहे हैं बच्चों वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा इजी पार्ट पड़ेगा हमारा ऑप्टिक्स का। इसमें अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक कर रहे हैं वो क्या है? वो है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हम कर रहे हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है बच्चों? आई किसके को लाएगा? आर के। आई किसके को लाएगा? आर के। तो यहाँ से हम प्रूव कर देंगे कि इंसिडेंट एंगल अगर रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल है तो वेव थ्योरी प्रूव हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बेस पे। मान लो ये सरफेस है, इंटरफेस है, जिस पे ये स्ट्राइक किया है, ठीक है, ये स्ट्राइक कर रहा है, ये हमारा ए बी, ए बी हमारा वेव फ्रंट है, ठीक है। वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या होती है बच्चों? रे ऑफ लाइट। अब जितने टाइम में लाइट यहाँ से यहाँ तक आई है, एक बार फिर से बना लेते हैं इसका डायग्राम। ये रहा, ये सरफेस है, ये वेव फ्रंट आ गया। जितने टाइम में ये लाइट यहाँ से यहाँ तक आएगी उतने टाइम में ये लाइट कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी? यहाँ तक। मान लो ए बी और ये हो गया सी डी, ठीक है। सी डी इसका ए बी का क्या है बच्चों? रिफ्लेक्शन है। सी डी क्या है? ए बी का रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आ गई लाइट, आ गई ये आ गई लाइट, आ गई, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे? ये देखो ये क्या है, एंगल आई इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, और ये एंगल भी कितना आ जाएगा? आई आ जाएगा, क्योंकि इस एंगल का सम भी 90 और इन दोनों का सम भी 90। सिमिलरली अगर ये एंगल आ गया बच्चों आर, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा? आर, क्योंकि इन दोनों का सम भी 90 और इन दोनों का सम भी 90, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे इसमें, हमें प्रूव करना है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर हमने ये प्रूव कर दिया एंगल आई एंगल आर के इक्वल हैं, एंगल आई एंगल आर के इक्वल हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे? ये साइड तो है इक्वल बच्चों, एसी साइड एसी के इक्वल हैं, एसी साइड इसके इक्वल हैं बीडी के। और क्या करेंगे? ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं? एबीसी ट्रायंगल, एबीसी कॉन्ग्रेंट है, किसके कॉन्ग्रेंट है? बीडीसी के, बीडीसी के। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं। कैसे? ए सी आ गया बच्चों बी डी के इक्वल आ गया, बी सी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है? बी सी के। ये साइड आ गई कॉमन। तीसरा ये वाला एंगल कितना है? 90। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू कितना आएगा? 90 डिग्री। तीन चीज़ें आ गई, साइड एंगल साइड,
ठीक है। साइड एंगल साइड से क्या प्रूव हो गया बच्चों कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सीपी सीटी कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मींस एंगल आई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आई के। बाकी पार्ट्स भी हो जाएंगे अगर इक्वल तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो है इसका रिफ्लेक्शन है, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। हो गया बच्चों क्लियर? ठीक है, ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब हम कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये था हमारा रिफ्लेक्शन। अब हम कर रहे हैं बच्चों रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। कैसे करेंगे रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, ये इंटरफेस है, इसके ऊपर ये लाइट आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन और इसका कितना है म्यू टू। लाइट जाएगी वन मीडियम से दूसरे में जाएगी, जितने टाइम में लाइट यहाँ से यहाँ तक गई है ये डिस्टेंस मान लेता हूँ स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, और उतने टाइम में यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यहाँ कम क्यों जाएगी, मान लेते हैं ये डेंसर है ये रेयर है। ठीक है, तो डिस्टेंस सेम नहीं आएगा, सेम टाइम में कैसा आएगा बच्चों, कम आएगा। ठीक है, और इसको मिला लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा रिफ्रैक्शन। हमने प्रूव करना है कि सी डी इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ ए बी, सी डी इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ ए बी। कैसे प्रूव करेंगे ये देखते हैं, ये कितना आएगा बच्चों, एंगल आई, तो ये एंगल भी आ जाएगा आई, इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90। अब ये आ गया नॉर्मल, ये लाइट गई इधर। ठीक है, ये एंगल आर, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा बच्चों, आर, इन दोनों का सम है 90, इन दोनों का सम भी 90, तो ये एंगल आर है तो ये एंगल भी कितना आएगा बच्चों, आर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है स्नेल्स लो कैसे प्रूव कर देंगे, अगर हमने स्नेल्स लो प्रूव कर दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये इसका रिफ्रैक्शन है। अगर ये स्नेल्स लो को फॉलो करता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये वाला इसका रिफ्रैक्शन है। कैसे प्रूव करेंगे, साइन आई और साइन आर की वैल्यू ले लेते हैं, साइन आई और साइन आर, अगर ये म्यू के इक्वल आ गया बच्चों, किसके इक्वल आ गया, म्यू के, तो ये प्रूव हो जाएगा ये स्नेल्स लो को फॉलो करता है। साइन आई की वैल्यू कितनी आएगी इस ट्रेंगल में आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपो मीन्स बी सी बाय ए सी, और नीचे वाली ट्रेंगल में साइन आर ले लेते हैं कितना आएगा, AD बाय AC से AC गया कट, तो कितना गया BC बाय AD किसके इक्वल है, BC इक्वल है बच्चों C1 इंटू T के स्पीड इंटू टाइम, और AD किसके इक्वल है C2 इंटू T के। ठीक है, T से T गया कट बच्चों, तो किसके इक्वल आ गया C1 बाय C2, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, और ये सारा किसके इक्वल आ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वन टू द अनदर, ये आ गया बच्चों म्यू के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि स्नेल्स लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि हमने लिया साइन आई बाई साइन आर किसके इक्वल आ गया BC बाई AC, और साइन आर किसके इक्वल आ गया AD बाई AC, AC से AC कट, तो BC बाई AD, C1 इंटू T, C2 इंटू T, T से T कट, C1 बाई C2, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, और दोनों का रेशियो लोगे तो क्या आ गया बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट मीन्स साइन आई बाई साइन आर किसके इक्वल आ गया म्यू के, और साइन आई बाई साइन आर हमें पता है बच्चों वो होता है स्नेल्स लॉ। तो ये प्रूव हो गया, इससे क्या प्रूव हो गया कि जो सी डी है वो क्या है, रिफ्रैक्शन है किसका, ए बी का। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, बस आज हम इतना ही करेंगे।